दोस्तों एक नई वीडियो, बढ़िया वीडियो लेके आए हो। एक पुरानी जीप, ये महिंद्रा कंपनी की है और उसे टोचन भी महिंद्रा कंपनी का ट्रैक्टर कर रहा है। फिसलन जगह है, चिकनी जगह है, बारिश के वजह से अब भागेंगे देख सकते हो भागेंगे फिसलन जगह हो गई है। और ये जिप्सी पुरानी है, निकल नहीं रही बाहर, तो इसे टोचन लगाने का जुगाड़ बनाया। इसे एक लकड़ी लगा के इसे टोचन कर रहे भागेंगे हैं। अब देखिए पूरी भागेंगे वीडियो अंत तक, ये जिप्सी निकलती या नहीं है। और फिसलन बहुत है, इसलिए ट्रैक्टर ब्रेक भी एक साइड जा सकता है, लेकिन हर आदमी इसे कोशिश कर रहा है निकलने के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी टोचन काम नहीं कर रहा, मतलब वो फिसलन के वजह से लकड़ी साइड में जा रही है। तो उसे अभी जो आगे वाला टायर है महिंद्रा ट्रैक्टर का, उसे धड़ी बोलते हैं एक्सल की साइड में, जो यू क्लैंप लगते वहाँ पे उसे लगाएंगे अभी लकड़ी। उससे काम होता है क्या देखेंगे अभी। आप देख सकते हैं ये जिप्सी अभी ट्राई कर रहे कि धुआं आ रहा है सब टायर से, इसके वजह से उसे वापस बंद किया है। टायर खराब हो सकते हैं लेकिन निकल नहीं सकते। अब देखा मैं बोल रहा आपको, ये एक्सल धड़ी के पास लगाया है और इससे कोशिश की जा रही है कि ये कैसे जिप से निकल जाए बाहर। इस जुगाड़ ने काम कर दिया है, अभी आप देख सकते हैं लकड़ी लगा के पास रोप नहीं था, इसलिए ये काम सक्सेस हुआ है। और दोस्तों लाइक शेयर अच्छा नौ कीजिए, मदद कर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबाइए, और आपके दोस्तों को भी दिखाइए वीडियो। धन्यवाद। टोचन लगाने की वापस कोशिश कर रही है क्योंकि यहाँ कुछ सामान नहीं था उसे टोचन लगा सके, तो लकड़ी का यूज़ कर रहे हैं। बार बार फिसल रहा है लकड़ी, रबर के वजह से, मतलब वो ज़्यादातर
बेंड हो जाती बस है, इसके वजह से ओके लकड़ी निकल जाती है, उसके जगह अगर पाइप वगैरह होता तो फटाक से निकल जाते। बहुत ही बेंड खा रही है, और लकड़ी भी आप देख सकते हैं सीधी नहीं है, टेढ़ी मेढ़ी है, इसके वजह से वो स्प्रिंग जैसे हो जाती है। अगर ये जिप्सी के आगे भी पहिए एक्सल होता तो ये आराम से निकल जाती, लेकिन ये पीछे की पहिए को एक्सल है, इसके वजह से ये जिप्सी निकल नहीं रही थी। आप ये देख सकते हैं निकल गई, थोड़ा सा ही मोमेंट था लेकिन निकल गई। तो 2-3 गाड़ी बदल लगते।